प्लीज प्लीज संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जब कश्मीर में कश्मीर की सरकार तैयार थी कि यह यात्रा कश्मीर से निकलेगी और कश्मीरी पंडित कश्मीर के रास्ते से नहीं जाएंगे तो क्या दूसरे किसी रास्ते से जाएंगे? और केंद्र सरकार को भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वो यात्रा जा रही थी, तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि कोई सेपरेटिस्ट कैसे इसका तय कर सकता। मैडम, मैं एक बात कहने के साथ खत्म करूंगा, इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है और हिंदुस्तान के बाद रामायण का सबसे बड़ा मंचन होता है तो इंडोनेशिया में होता है, और जब उनको ऑब्जेक्शन किया गया तो यह कहा गया कि हमने अपना धर्म बदला, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान में भी किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी रास्ते से अपने धर्म स्थल जाने की इजाजत है। कृपया कर माननीय गृह मंत्री यह बताएंगे कि यह प्रदेश सरकार के साथ क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं, जब प्रदेश सरकार ने परमिशन दिया तो क्यों नहीं कश्मीरी पंडित अपने रास्ते से अपने धर्म स्थान पर जा सकते हैं? मेहताब जी, नो नो मैडम,